दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम सर्पमित्र अर्शल मगर, तो आप देख रहे दोस्त YouTube चैनल सर्पमित्र अर्शल मगर। हमारे साथ मौजूद है वैभव गावंडे सर्पमित्र, ईश्वर सबका सर्पमित्र। चलिए दोस्तों, हम चिकली गांव से आप पहुँचे। ऐसे गांव का नाम कालोसा है। चिकली तालुका अंतर्गत में गाँव था दोस्तों, 25 किलोमीटर के दूरी पे दोस्तों। हम यहाँ गाँव में आप पहुँचे। ये गणेश सिंह है, इनके खेत के तालाब में दोस्तों लगभग चार सांप गिरे हुए दोस्तों। जो भी सांप होंगे हम आपको वीडियो में उनकी जानकारी देंगे। हरती खड़े जाते इतने बहुत जिले देखिए दोस्तों, हमने आज आपको कहा था वीडियो में कि आज हमने गांव में आप पहुंचे दोस्तों, लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे जो गांव है दोस्तों, एक खेत के तालाब में सांप लगभग चार सांप गिरे हैं दोस्तों। हमें तीन सांप दिखे। आज जो हमने सांप जो पकड़ा दोस्तों, उसका नाम है रसल वाइपर्स। विदर्भ में इसको परोड़े नाम से जाना जाता है, मराठवाड़ा हो विदर्भ हो, परोड़े नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो जहर होता है हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। आपको बाइट हो जाए तो तुरंत गवर्नमेंट अस्पताल में जाना है, देरी नहीं करने की दोस्तों। और एक बात, घरेलू इलाज नहीं करने की, आपको तुरंत अस्पताल में जाना है, ठीक है। अरे मैं म्हटलं तर पकडून ठेवली कधी दमला आता ही वट ना
छूटना छूटना छूट यार पनीर हे दारे स्टिक काय दिसा लागली देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का जो साथ मिला हमें इंडियन रेड दामन बहुत ही छोटी थे दोस्तों दामन मराठी में दामन गए थे हिंदी में था लगभग दोस्तों 1.5-2 घंटे लगे दामन निकलने के लिए इंडियन दामन रेड स्नेक डाला देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से बाइट दी थी मेरे को उसे देखिए दोस्तों हमने नंबर 2 पे जो सांप पकड़ा दोस्तों वो सांप का नाम है भारतीय रेड दामन स्नेक इंग्लिश में इसे रेड दामन स्नेक कहते दोस्तों मराठी में दामन हिंदी में दामन स्नेक चलिए दोस्तों सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे एक खेत का ताला में नंबर 2 पे सांप पकड़ा दोस्तों अभी और एक दामन स्नेक इसके अंदर है दोस्तों उसको निकालने के प्रयास करेंगे चलिए आगे का तीसरा स्नेक जो मिलेंगे दोस्तों आपको हम बताएंगे बहुत ही चिकना होता है बोले इसलिए आपने पाव का भी रख लिया दोस्तों तुरंत आदमी फिसल जाता है हमारे वैभव सर सरपंच मित्र गावंडे तुरंत फिसल गए दोस्तों पानी के अंदर ये जो काम होता है दोस्तों तालाब का बहुत ही संभाल के करना पड़ता है दोस्तों अभी देख रहे दोस्तों दामन स्नेक लगभग 3-4 घंटे दोस्तों ये पानी के अंदर हम घूम रहे दोस्तों आप जो दोस्तों रिस्क कर लिए अभी किसी दामन स्नेक रिस्क करेंगे भाई रे वो इकडे दाखव तू वरती सोडन काय नाही बाबा पायल गुंडळी थांब विश्वर भाव वडन का को देखिए दोस्तों नंबर 3 में जो सांप जो हमने पकड़ लिया दोस्तों भारतीय रेड स्नेक कहती थी इसे 2 महीने से दोस्तों ये जो सांप दामन स्नेक 2 महीने से पानी के अंदर है दोस्तों ठीक है दोस्तों हमने आज 3 दामन सांप रेस्क्यू कर लिया एक रसल वाइपर्स जो नंबर 2 पे जो पकड़ा दोस्तों हमने रेड दामन स्नेक नंबर 3 पे जो पकड़ा दोस्तों उसे भी देखिए दोस्तों बहुत ही गुस्से में दोस्तों दामन स्नेक ये जो खेत तालाब है दोस्तों लगभग इसके अंदर 2 महीने से 3 सांप गिरे हुए थे दोस्तों हमने जो तीनों सांप निकाले आज घुनस रसल वाइपर्स भारतीय रेड स्नेक दो भारतीय रेड स्नेक दो पकड़े दोस्तों हमने चलिए दोस्तों हम इसे तुरंत जंगल में रिलीज कर देंगे आज के लिए इतना ही दोस्तों और हमारे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूले दोस्तों देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से बाइट कर लिया मेरे को इसने दोस्तों 2 बार बाइट कर लिया काय आज हमने जो खेत की डाला है दामन स्नेक पकड़े दोस्तों दामन स्नेक ने बहुत ही
खतरनाक तरीके से बाइट दी थी दोस्तों, जब मैं उसको रेस्क्यू करने कर रहा था दोस्तों, उस टाइम उसने मेरे को बाइट दी थी। देखिए ना ना कर ना करो कौन है जी देखिए आखिर में हम तो जंगल में आ गए। चलिए रसल वाइपर स्नेक जंगल में रिलीज कर देंगे तुरंत। अगले जो दो स्नेक है दोस्तों उसे भी रिलीज कर देंगे। चलिए फिर से दो स्नेक रिलीज कर देंगे। भारतीय रेड स्नेक जंगल में तुरंत रिलीज कर देंगे दोस्तों। देखिए पहला स्नेक जो छोड़ दिया छोटा है दोस्तों, तीसरा भी छोड़ देंगे, छोड़ दिया तीसरा भी छोड़ दिया। देखिए दोस्तों बम बोले।